Hey guys, this is me Robbie here. This is me Azu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Azu Robbie gang ज्वाइन कर लो. हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा. जाओ और जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो. तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ. आजू हमें टाइटल बताएगा. तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो है खाने के ऊपर और वो भी दिल्ली के खाने के ऊपर. तो ये वीडियो का टाइटल है अल्टीमेट चांदनी चौक ब्रेकफास्ट टूर. और ये वीडियो है भी भाजी पाजी की, जो बहुत मजे के होने वाला खाना ब्रेकफास्ट. वाह वाह, वो भी दिल्ली का, ओल्ड दिल्ली का. चले जी देखते हैं गाइस मिलकर. सब लोग देते हैं छोले के साथ भटूरे और ये देते हैं छोले के साथ कुलचे. ऐसा खाना मिलते रहे तो दिन बन जाता है. हफ्ते में एक बार खाओ, पर जब खाओ मन से खाओ. हमारा अतुल्य भारत ने अलग अलग रंग रूप है, स्वाद के जायके हैं. हाय गाइस, तन्वी दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और अभी हम लोग हैं चावड़ी बाजार की गलियों में और सुबह सुबह का नाश्ता खा रहे हैं. लोटन जी से छोले कुलचे खाएंगे, बेड़मी पूड़ी खाएंगे, बहुत सारी चीजें होगी. वीडियो एंड तक देखना. दिस इज टिपिकल पुरानी दिल्ली का, वो जो बोलते हैं ना दिल वालों की दिल्ली, खाने वालों की दिल्ली, वो नाश्ता है. मजा आएगा आपको देखने में. लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आए हो वेजी बाजी सब्सक्राइब कर दो. वेज खाना दिखाते हैं हर जगह का. आप पहले अपना नाम बताएंगे. सर मेरा नाम महावीर कश्यप. महावीर जी, ये क्या चीज़ है जो लोग दिल्ली के नहीं है या जिनको नहीं पता? सर ये लोटन जी के छोले हैं. अच्छा, लोटन जी हमारे परदादा थे. अच्छा, उन्होंने इस कारोबार को चालू करा था. तो अभी एक पत्ता एक हमारा लगा रहे हैं आप? हाँ जी. ठीक है, ये मेरे को याद है आधा इधर जाता है आधा चने के उसमें जाता है. अच्छा, छोले कुलचे जो है दिल्ली में वैसे सब मतलब सारे एक जैसे होते हैं, आपके सबसे अलग होते हैं. ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे छोले में ना तो प्याज डलती है. अच्छा, ना लहसुन. अच्छा, और ये छोले छोले होते हैं. हाँ, मटरा नहीं होता. मटर नहीं होता, मटर वाले ना. हाँ, वो कुलचा मटर लगाते हैं. अच्छा, पर नाम लेते थे छोलों का उसके ऊपर. तो अभी क्या प्लेट रहता है, कितने रुपए रहता है? 60 रुपए प्लेट है मक्खन. 60 रुपए. ये क्या रहती है? ये अमचूर है सर. ये अमचूर की चटनी और ये तीखी वाली. ये तीखा मसाला. आप कैसा लेंगे? तीखा नहीं, आपका मीडियम, क्योंकि आपका तीखा इतना तीखा होता है नींद खोल देता है सुबह सुबह. ये आपकी आ गई 60 रुपए की प्लेट है. ये कुलचे आ गए. कुलचे पहले सेक के देते थे? हाँ जी. अच्छा, वो पहले वो वाले होते थे ना, फोल्ड करके एसी में साथ में लगा के देते थे. एक्चुअली क्या है ना, छोले गिरेंगे इसके ऊपर. हाँ, इसलिए कुलचा लगते थे. वो तो वो फोटो खींचते थे हम तो, वो सुबह सुबह हल्के छोले का ये तेल गिरा इस पे. हाँ जी. और वो तो ये दुकान अब ये किधर एग्जैक्ट पड़ता है एड्रेस? ये सर चावड़ी बाजार बरसावला चौक गली 76. अच्छा, एक और मेरे को पूछना था सवाल कि ये जो आपका शादरा साइड है वो भी आप ही का ही है? हाँ जी, कृष्णा नगर में. कृष्णा नगर में आप ही गई है. ये एक बार इनका प्रोसेस देखो. ये इस पे छोले पड़े, इसमें आमचूर की चटनी आ गई और मक्खन एक खुलता है. तो मक्खन भी अब प्राइस में इंक्लूडेड ही है. हाँ जी, पहले 6 रुपए का अलग से लेते थे. हाँ, पहले लगा था. ये लोटन जी दिल्ली के जो फूडीज है ना, मतलब जिनको खाने का शौक है, कभी ना कभी जिंदगी में लोटन जी खाया होगा. कि सुबह सर्दियों में 6 बजे 7 बजे उठ के निकल के आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से आ रहे हैं, और क्या आ रहे हैं, सिर्फ छोले कुलचे खाने, जो एक्चुअल छोले कुलचे. तो आप अभी कितना समय हो गया आपको इधर? मेरे को 30 साल तो हो गए. अच्छा, और आपके परदादा ने शुरू कर? परदादा जी ने. ये उनको कितने साल? 110 साल हो गए. 110 साल हो गए. बहुत अपने आप में एक तजुर्बे की बात होती है ना कि 100 साल हो गए किसी जगह को. अच्छा, एक ये चने का पानी आ गया हमारा और ये आ गए. ये नाश्ता है, इसके साथ ना कोई चाय चाहिए ना कोई कॉफी चाहिए. और टाइमिंग सब कितने बजे? सर सुबह 7 से 2 बजे तक हो गई. अब 2 बजे तक हो गई. पहले सुबह 7 से 11. मेरे को याद है 11 बजे तक तो नहीं मिलता था, कस्टमर नहीं छोड़ता था. मैं 10:30 आता था. मैं भी अभी डरते डरते आ रहा था मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अभी बाहर चलते हैं और आपको इनका टेस्ट दिखाते हैं. आ जाओ गाइस, आइए टेस्ट करते हैं द स्पेशल वाले छोले कुलचे. यार जैसे ये बता रहे थे ना महावीर जी भाई, दिल्ली में सब लोग देते हैं मटरा, या फिर द राइट वे टू से दिल्ली में सब लोग देते हैं छोले के साथ भटूरे और ये देते हैं छोले के साथ कुलचे. जो गरम गरम इनके छोले कुलचे खाने का मज़ा आ रहा. अदरक के लच्छे डालते हैं, धनिया डालते हैं, छोले में पड़ता है आमचूर की चटनी और जो तरी होती है ना. मैं बहुत स्पाइसी खाता हूँ पर मैं भी इनको बोलता हूँ मीडियम, क्योंकि ये तरी इतनी तीखी होती है ना, दिन खोल देती है आपके, नींद खोल देती है, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त कर देती है.
साथ में जस्ट गेट दिस। ये क्या होता है? अब ये जो छोले कुलचे है ना, देख लो छोटे वाले जो छोले होते हैं वो है, उसका पानी है उबाला, पानी मैंने उसमें दो चार मसाले डाले, मतलब दो चार नहीं बहुत सारे मसाले डाले, और एक मक्खन लेते हैं वो छोटा वाला मक्खन टिक्की होते हैं ना, आधा इसमें डाला आधा इसमें डाला जैसे आपने पीछे देखा था। हैंड अप, चीयर्स करेंगे। बहुत सही ये 60 रुपये का, ये चने का पानी भी कुछ होगा, पानी 10 रुपये का और छोले कुलचे 60 का। अच्छा, तो चावड़ी बाजार में अगर आप आ रहे हो सुबह सुबह उठ के तो आप कहीं दूर से आ रहे होगे और आप बहुत मशक्कत करके आ रहे होगे, पेट्रोल लगा रहे होगे, मेट्रो में आ रहे होगे तो चाहे ये 40 के हो चाहे ये 60 के हो, डजंट रियली मैटर, 100 साल का तजुर्बा है, टेस्ट है, वो मैटर करता है। और जो कुछ अच्छे जो आने हैं, जो टेस्ट है, यहीं पे खाने में मजा है। अब चलते हैं किसी और जगह पे, आपको दिखाते हैं बेड़मी पूरी, नागौरी हलवा, टिपिकल ओल्ड दिल्ली ब्रेकफास्ट। अभी पीछे हम लोगों ने खाए छोले कुलचे, अब हम लोग खाएंगे बेड़मी पूरी और नागौरी हलवा। तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जो बेड़मी पूरी होती है वो तो आपने बहुत देखा होगा, और ये छोटा गोलगप्पे से हल्का बड़ा एक ऐसे वो होता है सूजी का पूरी बोलते हैं उसको, और उसको देते हैं हलवे के साथ में, करते पंचर करते हैं, हलवा डालते हैं, कुछ लोग आलू की सब्जी भी डालते हैं, बाइट करते हैं। ऐसा समझा रहा हूँ, मज़ा नहीं आएगा, दिखाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। गली से आए थे हम लोग छोले कुलचे खा के, अभी सामने शाम स्वीट्स है और सुदर्शन, ये वो अड्डे हैं जो अपने फूडी दोस्तों के साथ मैं अनगिनत बार आया हूँ लिटरली। अभी सेटअप क्या रहता है, पूड़ी और अभी देखते हैं सब्जी, आई थिंक कद्दू की भी सब्जी रहती है, ये सूजी और आटे की पूड़ी रहती है ना, आटा होता है क्या? अच्छा, सिर्फ वही रहता है? उड़द की दाल भरी जाती है, और अच्छा ये उड़द की दाल की पिट्टी रहती है और गेहूं का आटा होता है, ये आती है दो करारी करारी पूड़ियां आती है, और साथ में रहता है, लोग सिर्फ पूरी सब्जी भी खाते हैं या नागौरी हलवा तो सब लेते ही हैं? नागौरी हलवा वो अलग है, अलग है, पर मतलब दोनों साथ में लेते हैं तो ज्यादा मजा आता है ना। हाँ, ज्यादा मजा आता है। अभी ये तो पूड़ियां फ्राई हो रही है, अंदर सब्जियां दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। तो आज क्या वैसे आलू की सब्जी रहती है? आलू छोले, आलू और छोले, संडे को कद्दू और ऐड हो जाता है, छुट्टी संडे को मिलती है ना लोगों को, मेरे दिमाग में तब से याद है कद्दू कद्दू होता था। अच्छा, एक एक पत्ता लगा दीजिए, सिंगल मिल जाएगा? हाँ, एक सिंगल दे दीजिए। और अचार किसका है आज? कचालू का, कचालू का अचार है, सीजन रहता है ना, सीजन बाय सीजन, नागौरी चार लगा दीजिए। नागौरी को क्यों बोलते हैं इसको? इसका नाम है नागौरी, इसलिए कहा जाता है, एक तो सूजी की बनती है। अच्छा, प्योर सूजी की बनती है, इसके साथ में सूजी का हलवा खाया जाता है, जिसको आप 6 महीने का बच्चे से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग तक खा सकते हैं। इसके अंदर नगौरी जो होती है फूली भी होती है, इसके अंदर फोड़ करके इसके अंदर हलवा हाँ। और सब्जी भर के खाया जाता है, जैसे अंगूठी में नग लगाता है। अच्छा, इसलिए इसको नगौरी बोलते हैं। अच्छा, कि मतलब उसको खाने का तरीका ये है कि उसको फोड़ा, उसमें हलवा डाला और सब्जी डालो, आपकी पसंद है सिर्फ हलवा डालो या आलू सब्जी डालो, इसको पढ़ के खाया जाता है, इसलिए इसको नाम लगोरी बोला जाता है। 6 महीने के बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक खा लें, जो हजम भी हो जाता है। तो जी, प्लेट लग चुकी है हमारी, दो फूली फूली पूड़ियाँ, छोले, आलू और कचालू का अचार और नागौरी हलवा। नागौरी आज मतलब समझा क्यों कहते हैं इसको। हम तो ऐसी फीका खाना खा रहे हैं, ये होता है नाश्ता। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? अजमगढ़ से। अच्छा, तो पसंद है, मजा आता है? भाई साहब, हम देसी आदमी हैं, किसान के बच्चे हैं। हाँ जी, घी दूध के खाने वाले आदमी हैं, बटन चिकन नहीं खाते हम, ना दिखाते हैं, इसलिए आज अजमगढ़ से स्पेशल नाश्ता करने आए हैं। हाँ, चलिए, साथ में लोग भी आ गए हैं खाने के लिए, अब टेस्ट डबल हो जाएगा, मज़ा आएगा, इंजॉय करते हैं और आपको टेस्ट दिखाते हैं। सबसे पहले एक करारी करारी पूड़ी को फोड़ते हैं,
बेड़मी पूड़ी, इधर दिल्ली साइड इसको बेड़मी बोलते हैं। यही चीज यूपी चले जाए बेड़ा ही बन जाती है, हमारा अतुल्य भारत। इतने अलग अलग रंग रूप है, स्वाद के जायके हैं। ये देखो आलू की सब्जी, आपको बोल रहा था ना थोड़ी तीखी रहती है, इसमें आई डोंट नो इफ यू कैन सी मिर्च दिख रही है। और आपके वेजी पाजी इतने स्मार्ट बनते हैं, चम्मच पुट्ठा पकड़ा हुआ है, इग्नोर। और साथ में एक लेते हैं कचालू का अचार, ये होगी आपकी एकदम टिपिकल चांदनी चौक वाली बाइट, चावड़ी बाजार वाली बाइट, चांदनी चौक थोड़ा आगे है, पुरानी दिल्ली वाली बाइट, ये पॉलिटिकली करेक्ट है। आप जब संडे को आओगे ना तो एक सब्जी और बढ़ जाती है, कद्दू की सब्जी आ जाती है। छोले की जगह कद्दू आ जाएगा? नहीं, अच्छा भाई तीनों चीजें आती है शायद। नहीं, छोले की जगह कद्दू, छोले की जगह कद्दू आता है। आलू छोले कद्दू, आलू छोले कद्दू, बहुत बढ़िया, एकदम चटपटा खाना। इस बार पकड़ेंगे चम्मच सीधा, शुद्ध देसी घी का। और इसको वैसे चम्मच की जरूरत इसके लिए, हलवे के लिए, नागौरी के लिए, नागौरी के लिए। ये इसको ऐसे पंचर करेंगे, आज मैंने ये भी समझा इसको नागौरी बोलते क्यों है। और ये ऐसे डाला है इसमें, ये खाने का तरीका है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, एक बाइट बस ऐसे लेते हैं और एक बाइट लेंगे आलू की सब्जी के साथ में। भाई इस खाने के लिए ना सुबह सुबह उठना वर्थ इट होता है ना। ये नजफगढ़ से आए हैं, मैं रोहिणी से आया हूँ, आज उठना पड़ता है इस खाने को खाने के लिए। बंदे को थोड़ा करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है इसको खाने के लिए। ओके, नागौरी का एक बाइट लिया नॉर्मल, क्यों हलवा क्या होता है ज्यादा मीठा नहीं होता, जल्दी खत्म हो जाता। अब इसको ना बैलेंस करेंगे आलू की सब्जी के साथ चटपटी ना से। डिलीशियस, मजा आ गया, ऐसा खाना मिलते रहे तो दिन बन जाता है। बस एक ही दिक्कत है, ऐसा खाना अगर रोज खाओ तो टिड भी बढ़ जाती है, तो इसलिए हफ्ते में एक बार खाओ, पर जब खाओ मन से खाओ, है ना, तब ये नहीं सोच रहा क्या है क्या नहीं है, इंजॉय करो। अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो दिखाते हैं, वो जो जगह बता रहा था ना वो जगह दिखाते हैं। सुदर्शन, ये वही वाला है जिसका लोगो थोड़ा वो होता था ना पहले, अलग होता था। हाँ, वो एक बादाम मिल्क दीजिएगा, कितने का है? मेरी पुरानी यादें हैं, मतलब यहाँ से खाना बहुत, मतलब कम से कम 5 से 6 साल के बाद पी रहूँगा। मैं अभी आया तो लोगो वगैरह सब चेंज हो गया, पर दुकान वही है, दुकान बिल्कुल उसी के याद है कि श्याम स्वीट्स के ऑपोजिट। इनके पास बादाम मिल्क बहुत सारी चीज़ें वैसे तो रहती हैं, बट आई ओनली गेट दिस। अब होती है कुछ कुछ जगह कि नॉस्टैल्जिक होती है, इज वन ऑफ देम। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मोटे तंग चल रखे हैं बादाम के, कुछ दिखेगा नहीं, एक एक्सपीरियंस है वो। क्या इतनी पूड़ी नागौरी इतना हैवी हो जाता ना, उसको कट डाउन करने के लिए ठंडा ठंडा बादाम में। अभी मिलेंगे किसी और वीडियो में कुछ और खाना दिखाते हुए। भाजी भाजी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का खाना हर संडे। और इसमें बहुत सी चीजें थी, एक तो छोले कुलचे थे, वो छोले कुलचे एक्चुअली हमारे लाहौर में भी मिलते हैं इस तरह के, लेकिन वो कुलचे जो होते हैं वो तंदूर में लगे होते हैं, मैं उसमें तिल होते हैं उसके ऊपर, सब छोले भी होते हैं डिफरेंट किस्म के। ये बहुत डिफरेंट किस्म के छोले थे, छोले बहुत डिफरेंट और ये वर्थ ट्राइंग छोले होने वाले हैं लगता है। और बड़े ना स्पाइसी से लगे, मतलब कि उन्होंने पहले वो बॉयल हुए हुए जो छोले थे वो उन्होंने डाले हैं, उसके बाद उसके ऊपर वो करी थी वो डाली है, ठीक है, उसके अंदर मिक्स करने के बाद उन्होंने सेपरेट पानी भी दिया है उसका, वो पानी भी दिया वो और बटर भी डाला है, और बटर और बन बनाने के बाद एंड पे बटर डाला है उसमें, तो उसका पता नहीं क्या मजा होता होगा, ट्राई नहीं किया ना,
और इस तरह हलवा पूड़ी बहुत मजे की थी, जो पूड़ी और थी पूड़ी हाँ, थी डकोड़ी थी, कोई नई चीज थी। हमारे यहाँ भी हलवा पूड़ी होती है कि पूड़ी के साथ हम हलवा और बिल्कुल वैसे सेम वो चने होते हैं हाँ, और आलू की तरकारी भी होती है हाँ। वो एक मिक्स होती है उसका एक और साथ में अचार मिलता है। लेकिन जो ये गोल गप्पा स्टाइल में खा रहे थे हम लोग, ये डिफरेंट चीज थी, ये छोटी छोटी पूड़ियां हमारे पास मिलती है, छोटी छोटी पूड़ी कितनी क्यूट लगी, छोटी बाइट्स बनाकर उसमें पूड़ी बहुत हुई थी ना, वो बहुत मजे की लग रही थी। और एंड पे जो अल्टीमेट जो बादाम हमारे वैसे यहाँ पर भी मिलता है, हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन वो जो चनों का स्टाइल था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कभी नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी देखा है। लेकिन फिर भी चांदनी चौक खाने तो आउटस्टैंडिंग, बहुत नाम सुना उनका, अभी हम उस पर भी करेंगे। आपकी पराठे वाली गली बहुत मशहूर है, उसकी भी हमने वीडियो ले जानी है, वहाँ पर पराठे से मिलते हैं और बहुत मुख्तलिफ किस्म के पराठे होते हैं वहाँ पर, बहुत से डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स और डिफरेंट सेलिब्रिटीज जाते नहीं है, हम खाएंगे लेकिन गाइस बहुत मजा आया देखकर, भूख लग गई है हम लोगों को ये वीडियो देखकर। एनीवेज बहुत ही मजे की थी, और इन्होंने अभी जाहिर सी बात है वो एक वीडियो में हर जगह बिता के खा भी नहीं सकते, फिर इसीलिए बनाते हैं ताकि वो नए नए फूड एक्सप्लोर करें। वीडियो देखकर बहुत मजा आया है, और फूड की वीडियोस हमारी बहुत फेवरेट होती है, बिकॉज वी बोथ आर फूडीज एंड वी रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इनमें से कौन कौन सी चीजें ट्राई की हुई हैं और आप लोगों की कौन सी फेवरेट है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। हम लोग मुलाकात करेंगे एक और वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त करके जाना। अल्लाह हाफिज।